Students of class 6 attended Jafri Academy of Modern Education, Kargil. Welcome to Computer Education, chapter number 7, topic procedure of logo, page number 81. Hey students, you know that logo, logic oriented, graphic oriented, is a simple computer language. Logo is used to teach the basic programming skills to the students. Let us know more about it. तो डियर स्टूडेंट्स, आपको मालूम है कि लोगो का फुल फॉर्म लॉजिक ओरिएंटेड ग्राफिक ओरिएंटेड है और ये एक सैम्पल कंप्यूटर लैंग्वेज है और ये लोगो जो है हम इस्तेमाल करते हैं जो बेसिक प्रोग्रामिंग स्टूडेंट्स को सिखाने के लिए. माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ लोगो, MSW लोगो डिनोट्स ए सैम्पल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. वी कैन ड्रॉ फिगर्स, टाइप टेक्स्ट एंड डू कैलकुलेशन इन इट. टू परफॉर्म एनी एक्शन, logo uses a triangle shape turtle that moves on the computer screen. It just like your pen. A logo turtle can draw as per our commands. These commands are known as primitives. Although you have already learned to work with logo, yet there is something more to know about it. Let us observe. तो MSW लोगो जो है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ लोगो एक सैम्पल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसके ज़रिए हम फिगर को ड्रॉ कर सकते हैं, टाइप कर सकते हैं टेक्स्ट को और कैलकुलेशन भी हम उस पर कर सकते हैं, सैम्पल जो कैलकुलेशंस होते हैं. तो यहाँ पर हम कोई भी एक्शन परफॉर्म करते हैं उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं एक ट्रायंगल जो शेप होता है आपकी स्क्रीन पर जिसको टोटल कहते हैं और वो हरकत करते हैं स्क्रीन के ऊपर आपके कमांड्स के हिसाब से और ये एक पेन की तरह होता है. लोगो का जो टोटल है वो ड्रा करते हैं हमारे कमांड के हिसाब से वहाँ पर और ये कमांड्स जो है जो हम कमांड दे देते हैं लोगो में उनको प्रिमिटिव्स कहते हैं. और इसके अलावा यहाँ पर आपको उसके अलावा आप लोगों ने लोगो में बहुत सारे काम आपने सीखे हैं और यहाँ पर और भी बहुत कुछ हम यहाँ पर जानने जा रहे हैं. तो यहाँ पर आइए मुशाहिदा करते हैं. Procedure of logo. A logo procedure is a set of logo commands given one after the other to do a specific task and refer it to by a particular name. तो logo जो है एक procedure है, set of commands है logo का और उसको आप एक के बाद एक वहाँ पर आप अंजाम देते जाते हैं, काम करते जाते हैं और उसके बाद आप उसको एक नाम देते हैं, particular नाम से उसको हवाला देते हैं. इन अदर वर्ड, इट इज़ ए सैम्पल प्रोग्राम इन लोगो लैंग्वेज. ए लोगो प्रोसीजर परमिट्स यू टू यूज़ द सेम सेट ऑफ कमांड्स अगेन एंड अगेन विदाउट टाइपिंग देम ईच टाइम. ए लोगो प्रोसीजर हैज़ 3 पार्ट्स. दूसरे लफ्ज़ों में हम यहाँ पर कहें तो सैम्पल प्रोग्राम लैंग्वेज है लोगो, ठीक है. और लोगो जो है आपके जो प्रोसीजर आपको वहाँ पर काम में इस्तेमाल में लाया जाता है और अगर वो कमांड दूसरे बार भी अगर वही हो, सेम हो, सेट ऑफ कमांड्स हो, तो बार बार उसको आपको टाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़ते हैं. वहाँ पर आपको वहाँ पर एक कमांड देकर उसको बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं. ए लोगो प्रोसीजर हैज़ 3 पार्ट्स. यहाँ पर 3 पार्ट्स हैं. एक है आपका टाइटल, दूसरा है बॉडी, तीसरा है एंड. टाइटल में क्या करते हैं, इट प्रोवाइड्स ए नेम टू प्रोसीजर. इट ऑलवेज़ बिगिनस विद द वर्ड टू. टू से शुरू होता है ये. आपको एक नाम वहाँ पर प्रोसीजर का दिया जाता है, मुहैया करते हैं और यहाँ पर हमेशा शुरू होता है वो टू से. बॉडी, इट कंटेन्स ऑल द कमांड्स दैट आर यूज्ड फॉर ड्रॉइंग ए डिज़ायर्ड फिगर. बॉडी जो है वो मुश्तमिल होते हैं उस कमांड्स पर जो आप कमांड देकर एक फिगर आप वहाँ पर डिज़ाइन करते हैं, जो आपके ख्वाहिश के मुताबिक वहाँ पर एक ड्राइंग आप तैयार करते हैं उससे कहते हैं बॉडी. और एंड होता है, इट इंडिकेट्स दैट आवर इंस्ट्रक्शन आर ओवर, सो इट हैज़ द वर्ड एंड. जब हमारे तमाम इंस्ट्रक्शन वहाँ पर ख़त्म हो जाते हैं और हमारा फिगर जो है वहाँ पर तैयार हो जाते हैं तो वहाँ पर आपको एंड करना पड़ता है आपके काम को, तो वहाँ पर END आपको लिखना पड़ेगा. रूल्स फॉर नेमिंग प्रोसीजर. नेम देने के लिए आपको, नेम प्रोसीजर के लिए आपको रूल्स क्या है, यहाँ पर है. द फर्स्ट करेक्टर ऑफ द प्रोसीजर्स नेम शुड ऑलवेज बी ए लेटर. यहाँ पर आपके प्रोसीजर का
जब नाम देना चाहते हैं तो वहाँ पर फर्स्ट करेक्टर जो है वो आपको हमेशा लेटर में होना चाहिए। ए प्रोसीजर नेम शुड नॉट कंटेन एनी ब्लैंक स्पेस, वहाँ पर कोई खाली स्पेस वहाँ पर नहीं छोड़ना चाहिए बीच में। ए प्रोसीजर नेम कैन नॉट इंक्लूड अर्थमेटिक ऑपरेटर्स प्लस माइनस एस्ट्रिक एंड और स्लैश वगैरह। तो यहाँ पर कोई भी आपको मैथमेटिकल जो ऑपरेटर्स होते हैं वो आपके प्रोसीजर नेम में शमूलियत नहीं होना चाहिए। ए प्रोसीजर नेम कैन नॉट इंक्लूड नेम्स ऑफ एनी लोगो कमांड्स, वहाँ पर प्रोसीजर में कोई भी लोगो कमांड वहाँ पर नहीं होना चाहिए नेम में। इसके बाद आ जाइए पेज नंबर 82 पर, वहाँ पर आपको कहते हैं एग्जाम्पल। जैसे यहाँ पर देखो करेक्ट प्रोसीजर नेम क्या है, माई बुक, वहाँ पर माई बुक आपको यहाँ पर रखा। फिर इसके बाद क्लास डैश 5, 4 स्क्वेयर्स, सर्कल डैश 8, इंडिया एक्सेट्रा, ये करेक्ट आपको प्रोसीजर नेम है। इनकरेक्ट प्रोसीजर नेम है माई बुक 5th क्लास, ठीक है। फिर इसके बाद प्लस 91 इंडिया BK FD एक्सेट्रा, ये सारे आपको क्या है कि ये इनकरेक्ट प्रोसीजर नेम है। इसके बाद आते हैं क्रिएटिंग ए प्रोसीजर। एक प्रोसीजर को हम क्रिएट करते हैं तो किस तरह से क्रिएट करते हैं। प्रोसीजर इज बिगन बाय गिविंग द टू कमांड, फॉलो इट बाय द नेम ऑफ ए द प्रोसीजर, यू कैन क्रिएट ए न्यू प्रोसीजर बाय टू वेज। आप जब भी आप शुरू करते हैं प्रोसीजर, कोई प्रोसीजर क्रिएट करने के लिए, तो आपको वहाँ पर टू कमांड्स देना पड़ेगा। उसके बाद आपको नेम ऑफ द प्रोसीजर देना है, और इस तरह से आप यहाँ पर जब भी न्यू प्रोसीजर आप तैयार करते हैं तो उसको दो तरीके हैं। पहला है यूजिंग द इनपुट बॉक्स, पहला इनपुट बॉक्स को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा यूजिंग द एडिटर विंडो, एडिटर विंडो को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। क्रिएटिंग ए प्रोसीजर यूजिंग द इनपुट बॉक्स, इनपुट बॉक्स को हम इस्तेमाल करके यहाँ पर हम एक प्रोसीजर तैयार करते हैं। देयर आर फॉलोइंग स्टेप्स टू क्रिएट प्रोसीजर यूजिंग द इनपुट बॉक्स, इनपुट बॉक्स के लिए आप वहाँ पर यूजिंग इनपुट बॉक्स करके आप एक प्रोसीजर तैयार करते हैं, उसके लिए इन स्टेप्स को आपको फॉलो करना है। स्टेप 1, क्लिक इन द इनपुट बॉक्स एंड टाइप। 2, आपको पहले क्या करना है, इनपुट बॉक्स पे क्लिक करना है, फिर उसके बाद वहाँ पर 2 को टाइप करना है, फॉलो इट बाय ए नेम, नेम के बाद एंड देन प्रेस द इंटर की, नेम देने के बाद वहाँ पर इंटर की देना है। द 2 मोड इनपुट बॉक्स ओपन्स, आप वहाँ पर वो ओपन हो जाएंगे। स्टेप 2, टाइप ऑल द कमांड्स 1 by 1, डोंट फॉरगेट टू प्रेस इंटर की आफ्टर ईच कमांड। फिर उसके बाद एक के बाद आप एक कमांड देते जाएंगे, वहाँ पर आपको ये नहीं भूलना है कि हर कमांड के बाद आपको वहाँ पर इंटर लगाना पड़ेगा। इंटर नहीं लगाएंगे तो आपका कमांड सही नहीं होगा। स्टेप 3, व्हेन यू हैव एंटर्ड ऑल योर कमांड्स टाइप एंड प्रेस द इंटर की। जब आपने तमाम जो कमांड्स होते हैं वो आपने टाइप कर दिया, इंटर कर दिया, फिर उसके बाद आपको एंड कमांड लिखना पड़ेगा, END, उसके बाद आपको इंटर की को फिर से प्रेस करना पड़ेगा। स्टेप 4, लोगो डिस्प्ले ए मैसेज, वहाँ पर एक मैसेज डिस्प्ले होगा इन द कमांडर विंडो, कमांडर विंडो में, इंडिकेटिंग दैट यू आर प्रोसीजर इज डिफाइंड, वहाँ पर आपका प्रोसीजर को डिफाइन करेंगे। इट रिफर्स दैट नाउ यू कैन रन योर प्रोसीजर टू ड्रॉ द डिजायर्ड फिगर फॉर विच यू हैव डिफाइंड दिस प्रोसीजर। तो ये आपको हवाला देंगे और आप वहाँ पर अपने प्रोसीजर को चला सकते हैं और ड्रॉ कर सकते हैं डिज़ायर्ड फिगर, जो आपने अपने ख्वाहिश के मुताबिक आपने फिगर वहाँ पर बनाया है, विच यू हैव डिफाइंड दिस प्रोसीजर, आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारा आज का टॉपिक। कल हम पढ़ेंगे क्रिएटिंग ए प्रोसीजर यूजिंग द एडिटर विंडो से आगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, गुड बाय, ऑल द बेस्ट।